देखो फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसमें अपन है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, तो ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी डायनेमिक विस्कोसिटी और ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो हम जानते हैं कि देखो प्रेशर होती है उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, फिर ऑप्शन बी पे और सी डी पे आते हैं। तो अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पता है टो बराबर क्या होता है, म्यू डी यू वाई डी वाई। तो म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो म्यू की यूनिट निकालने के लिए क्या है, यहाँ से इनका पक्षांतरण करते हैं तो टो डी वाई बटा डी यू। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टो की यूनिट, डी वाई की यूनिट मीटर, यू मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन अपन इसमें डिस्कस करते हैं न्यू की यूनिट क्या होती है, न्यू क्या हो गया म्यू वाई रो। तो म्यू वाई रो या न्यूटन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर के ऊपर कैसी। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकाली तो न्यू की यूनिट अपने पास कट के आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी कह सकते हैं, या वन स्टॉक इसकी यूनिट स्टॉक भी होती है। सिमिलरली जो अपना पास्कल सेकंड है वो एक पोइज, उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी यूनिट पोइज भी होती है। तो एक पोइज बराबर क्या होता है 0.1 पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो अपने पास डी ऑप्शन बचा क्या, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी बटा न्यू एरिया क्रिएटेड। तो सरफेस एनर्जी, एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल डिवाइड बाई एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो जूल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर इसकी हो जाएगी यूनिट सरफेस टेंशन की। इस तरह अपन ने ये चारों ऑप्शन टिक किए। तो प्रेशर की यूनिट अपने पास आ गई थी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट अपने पास क्या आ गई पास्कल सेकंड, काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट अपने पास क्या आ गई, क्या आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सरफेस टेंशन उसकी यूनिट निकालने पर आ गई न्यूटन पर मीटर। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में सोल्व करेंगे।